right. technology has without doubt created a sea of opportunities and has transformed many lives. with the rise of platforms such as youtube and instagram, we have seen many hidden talents across the globe come into prominence. and kavita singh is one such social media star with over 11 million subscribers to her youtube channel. kavita's easy recipes have kept her audience hooked for over seven years now. A banker who followed her passion for cooking and became a successful vlogger. She has shown the path for many passionate homemade cooks to demonstrate their culinary skills to the world and also, along the way, earn a few bucks. So, thank you so much, Kavita, for joining us today. It's really a pleasure to have you today at Your Stories Creators Inc.

लोग कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को तो वो अच्छा लगता है खुशी होती है लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ साथ हैिटी भी आती है कि अगर आपने कुछ पॉपुलरिटी अर्न की है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा तो मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि जो मैंने नाम बनाया है या जो मैंने लोगों के बीच में अपना प्यार बनाया है उस चीज को और बरकरार करने के लिए और मेहनत सो कविता कहना How did you think about these easy home style recipes? you which I have to make videos and what do you think has worked for you at this point in time? Uh, शादी के बाद जब मैं यूके में थी तो मैं बहुत सारी रेसिपी ट्राई करती थी क्योंकि वहां पे हमारे पास कुछ काम रहता नहीं है क्योंकि वहां पे हस्बैंड जॉब करते हैं वाइफ को वर्क परमिट बहुत रेयर कंपनी में मिलता है काम करने के लिए तो वहां पे मैं जॉब करती नहीं थी तो मेरा सारा पैशन कुकिंग में ही रहता था कुछ ना कुछ ट्राई करना तो मैं उस टाइम पे बहुत सारी वीडियोज देखती थी तो कुछ कुछ रेसिपीज अच्छी बनती थी कुछ कुछ नहीं बनती थी तो मेरे को लगता था कि ऐसा कुछ तो गड़बड़ है मतलब जो मुझे चाहिए वो मेरे को नहीं मिल रहा है जैसे बेसिक चीजें कितना मसाले की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए फ्लेम क्या होना चाहिए कितनी देर पकाना है वो सारी चीजें क्लियर नहीं होती थी तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बेसिक वीडियोस बनाऊं बेसिक कुकिंग को लेके तो मैंने वहां से आइडियाज तो मेरे दिमाग में वहीं पे आया था लेकिन इंडिया आने के बाद जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा और मेरे पास खाली टाइम था तो मेरी एक फ्रेंड थी वो यूट्यूब पे पेंटिंग ट्यूटोरियल बनाती थी तो मैंने उसे बोला कि मेरे दिमाग में ये है कि मैं कुकिंग का वीडियो बनाऊं तो उसने कहा कि तुम्हारे दिमाग में है तो यू जस्ट गो स्टार्ट कर दो तो मैंने कहा कैसे करते हैं क्या करते हैं बोली कुछ भी नहीं चाहिए फोन कैमरा जो भी है आप उससे स्टार्ट करो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ट्राई पॉट गौरव किया एक वीडियो बनाया एकदम बेसिक भिंडी फ्राई मतलब भिंडी जो हमारे घर में डे टू डे में बनता है मैंने वही रेसिपी बनाई और उसके बाद फिर पोस्ट की और ऐसे धीरे धीरे शुरू करती गई शुरू करती गई फिर मैंने देखा मैंने जस्ट ही मतलब अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किया था ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाना चाहती थी या कुछ अपनी अपने लिए कुछ करना चाहती थी ऐसा कुछ नहीं था मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहती थी फॉर द बेस बिगिनर्स और फिर उसके बाद जब मेरे वीडियोस पे कमेंट आने लगे कि आपकी कुकिंग में बहुत बारीकियां रहती है जो हमें बहुत यूजफुल होता है क्योंकि हमको नहीं पता रहता हम घर से दूर रहते हैं तो कितनी देर पकाना है कितना क्वांटिटी होना चाहिए राइस को कुकर में पकाने के लिए तो मैंने ये सोचा कि अगर ये लोगों के लिए यूजफुल है तो मैं इसी टाइप के जिस टाइप के कमेंट आ रहे हैं मैंने उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और मैंने उसी पर काम करना शुरू किया तो मैंने सारे जो जो मेरे व्यूवर्स के फीडबैक आते थे मैंने उसी चीज को अपना स्ट्रेंथ बनाया और वहां से अपने वीडियो का जो डायरेक्शन था जो कॉन्सेप्ट था कि मैं बेसिक ये सारी कुकिंग बनाऊंगी जो सबके काम आए और फिर लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया और आज हम आपके सामने तैनाश <laughs> uh, uh, आपको न्यू आइडियाज कैसे आते सो मेनी चावल तो सबको अभी आपके चैनल को तो देख देख के आ गया है सो नाउ हाउ डू यू कम आउट विथ न्यू आइडियाज थ्रू द होल आइडिएशन प्रोसेस कि आपका कैसे यू नो प्लानिंग होता है कंटेंट का हाँ तो पहले पहले होता था कि जो जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं बनाती थी अपने चैनल पे लेकिन अब जब सब्सक्राइबर बेस बड़ा है तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पहली बात की है कि जो मेरे ऑडियंस कमेंट करते हैं कि आप ये डिशेस बनाए ये डिशेस बनाए इस डिश को आप इजी तरीके से बताइए तो मेरे को लगता है कि ठीक है अगर बिरयानी है तो बिरयानी को और सिंपल कितना किया जा सकता है अगर दाल मखनी है तो उसमें और क्या अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं कि जो चीजें लोगों के पास नहीं मिलती है तो मैं उस उस प्रोसेस में ज्यादा काम करती हूँ और दूसरी की दूसरी बात पे ये देखती हूं कि अगर फेस्टिव सीजन है सीजनल ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर वैलेंटाइन आने वाला है तो वैलेंटाइन की रेसिपी चलेगी होली है तो होली की रेसिपी चलेगी तो जो ऑडियंस के कमेंट रहते हैं प्लस जो सीजन रहता है और प्लस गूगल ट्रेंड ट्रेंड में क्या चल रहा है लोग किस टाइप की रेसिपीज देखना पसंद कर रहे हैं जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने भी नोटिस किया होगा या हम मैं और आप हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए राइट हम सब सोच रहे हैं कि नहीं अभी हमको जंक फूड कम करना है हेल्दी फूड पे ज्यादा ध्यान देना है तो ये ट्रेंड हम अभी मुझे क्या सारे फूड ब्लॉगर्स या एज अ क्रिएटर हमें पता चला कि हाँ अभी हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा हेल्दी चीजें बनाएं तो ट्रेंड व्यूअर्स कमेंट प्लस सीजन फेस्टिव सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए फिर रेसिपी डिसाइड होती है कि हाँ ये बनना चाहिए अभी और कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो मुझे अच्छा लगता है मेरे को लगता है कि अगर ये मैं बनाऊंगी और किसी ने ट्राई किया तो अच्छा लगेगा लोगों को पसंद आएगा तो ये चार पांच चीजों को मिक्सअप करके मैं नोट डाउन करती हूँ कि अगली चार रेसिपी ये शूट करने वाली हूँ और फिर उसको प्रोसेस करने में पहले दो तीन बार ट्राई करती हूँ कि अलग अलग चीजों से कि अगर इसको इस तरीके से ट्राई किया जाए तो इसकी जगह में ये ऑल्टरनेट यूज किया जाए तो कैसा लगेगा फिर वैसे करके फिर जब फाइनली जब मेरी फैमिली खा के बोलती है कि हाँ, दिस वन इज बेटर फैमिली से ज्यादा बच्चे जब बोलते हैं कि कि हाँ, ये अच्छा बना है है तब लगता है कि नहीं ये अच्छा है और पोस्ट करके फिर खुशी भी मिलती है जो फीडबैक मेरे फैमिली वाले देते हैं वही ऑडियंस की तरफ से भी आता है तो अभी मेरा भी कम्फर्ट उनसे आ गया है कि ऐसा लगता है कि नहीं हमारा टेस्ट सेम है जो मैं बनाती हूँ और जो लोग देखते हैं उनका टेस्ट सेम है राइट इंटरेस्टिंग कविता बिकॉज आपके जो बच्चे है वो आपके रियल टेस्टर्स है रियल जज है वहां पे आई वॉन्टो टॉक यूर लिटिल बट अबाउट द क्रिएशन ऑफ अडियो नाउ सो मेनी पीपल वॉचिंग आर स्टूडे एंड वॉचिंग यू टूडे वॉन्ट टू नो वॉट डेक फॉर अनर टू स्टार्ट मेकिंग एक हद से इफ यूर कुकिंग हाउ डू शूड दीडियो एंड यू नो वॉट इज अंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दट गोज इन टू क्रिएटिंग अ गुड विडियो ऑन कुकिंग तो पहली बात की मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप क्रिएटर है हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं इन कैटेगरी ऑफ फूड तो बेसिक चीजें में कैमरा ऑब्वियसली सबसे बेस्ट पार्ट है लेकिन आजकल सारे स्मार्टफोन भी अच्छे उनके कैमरा स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है तो कैमरे की जगह अगर हम स्मार्टफोन भी यूज करें तो भी चलेगा लाइटिंग होनी जरूरी है अगर लाइटिंग नहीं होता है तो फिर आप जो डिशेस बना रहे हैं उसका कलर नहीं आता है कलर नहीं आने से फिर वो विजुअली अच्छा नहीं दिखता विजुअली अच्छा नहीं दिखेगा और खाना ऐसा है कि पहले आंखों को अच्छा लगना चाहिए फिर टेस्ट उसका मुंह में उसकी बात समझ में आता है बहुत सारी डिशेज जैसे हम मम्मी वगैरह बनाती है तो विजुअली अच्छा हो या नहीं हो लेकिन उसका टेस्ट हमको पता है कि मम्मी बचपन से ही अच्छा हम लोग को खिलाती आई है ये तो ये अच्छा ही होगा लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड वो जो दिखने में अच्छा लगता है हाँ ये बेस्ट है या फिर ब्रोशर में देखते हैं तो ऐसा लगता है तो मे, मेरे हिसाब से अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं नए क्रिएटर हैं तो हमें विजुअली अपीलिंग डिशेस बनानी चाहिए कैमरा लाइट अच्छा होना चाहिए लेकिन अगर आपका कंटेंट अगर आपने कुछ ऐसी डिश बनाई है जो आपको लगता है कि आप किसी ने बनाया और ट्राई करके वो फोर्स मतलब वो मजबूर हो जाएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में तब मेरे हिसाब से कैमरा और लाइटिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो पहला तो ये है कि कंटेंट इज किंग कि अगर कंटेंट अच्छा है तो इसकी जरूरत नहीं है अगर कंटेंट ठीक है ओके okay, ओके okay, हम सेम डिशेस बना रहे हैं जो बाकी सब बना रहे हैं तो इन दैट केस कि आपको लाइटिंग और कैमरे पे ज्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और लाइटिंग मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास तो एक पॉइंट एंड शूट कैमरा था और लाइटिंग मेरे किचन में नहीं था तो मैं दोपहर को शूट करती थी एक से तीन बजे के करीब मेरे किचन के साइड धूप आता था तो वहां पे जो हमारी लाइट है उसमें थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखता था तो मेरे शुरुआत के दो तीन साल तो वीडियो ऐसे ही थे जो और इंट्रो वगैरह वीडियो का शूट करना होता था तो खिड़की के पास जब धूप आती थी तब मैं उस टाइम पे करती थी कि ढाई से पौने तीन बजे के बीच में वहां पे धूप आएगी जबकि ऐसे इतने पिछड़े जमाने में भी नहीं थी लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करना था मेरे को अच्छा लगता था काम करना मेरे को लगता था कि अच्छा है अगर किसी के लिए यूजफुल है तो लोग देखेंगे वहां पे मेरी लोग शक्ल देखने तो नहीं आ रहे रेसिपी देखने आ रहे हैं और रेसिपी जब तक क्लियर है वीडियो जब तक क्लियर है लोग बना रहे हैं तब तक आई डोंट थिंक इतना ज्यादा हाईफाई कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और क्रिएटर को मतलब अगर न्यू क्रिएटर हैं तो उनको चाहिए कि शुरुआत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें पहले कंटेंट बनाए और उसके बाद जैसे जैसे उनका ग्रो होगा जब उनके चैनल पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे अर्निंग बढ़ेगी तब उसके हिसाब से उसी पैसे को रीइन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो नहीं चलता है तो फिर सारा पैसा भी नुकसान हो जाता है और प्लस एक दिमागी में दिमाग में भी थोड़ी सी ऐसे सैडनेस आ जाती है और हमने अगर खर्चा ही नहीं किया तो दुख भी नहीं हुआ ना कि चले नहीं चले राइट कविता टॉक लिटिल बिट अबाउट यू नो कपिता अभी ये जो इन्फ्लुसा कम्युनिटी है उसमें बहुत ब्रांडिंग कोलेब्रेशन पार्टनरशिप्स ये सब आ गया है तो हाउ डू यू डील विद की कौन से कंपनी के साथ आप कोलेबरेट करना चाहते हो क्या हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट एट दिस पॉइंट तो ब्रांड कोलैबोरेशन जब भी मैं करती हूँ पहले तो शुरुआत में मैंने किया नहीं था मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था जब मैं जब मेरे फाइव थ्री टू फोर लैक्स फॉलोअर्स हो गए थे तब ब्रांड कोलैबोरेशन के मेल्स आने लगे थे मेरे को लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ये मेरा पैशन है अगर मैं अभी से ब्रांड डील करूंगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब ये बस ब्रांड के लिए वीडियो बनाती है तो मैंने अपने दिमाग में क्लियर किया था कि जब तक मेरे टू मिलियन फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक मैं एक भी ब्रांड डील नहीं करूंगी और उसके बाद मैंने टू मिलियन थ्री मिलियन तक नहीं किया बहुत सारे ब्रांडेड लाए थे सब सारे फ्रेंड्स जो भी मेरे क्रिएटर फ्रेंड है वो समझाते थे कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो मैंने कहा कि नहीं मेरे को नहीं करना नहीं करना और जब मेरे थ्री मिलियन फॉलोअर हुए तब मैंने ब्रांडेड एक्सेप्ट की और लेकिन ब्रांडेड में भी मैं बहुत सोच समझ के करी थी कि ऐसे ब्रांड करने हैं जिसका मार्केट में नाम अच्छा है जो मैं ट्राई करती हूँ जिसकी मतलब वो ब्रांड मैं घर पे यूज करती हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं वो ब्रांड डील करती हूँ अदरवाइज रैंडमली कुछ भी नहीं करती अगर जो जिस प्रोडक्ट को मैं नहीं जानती उस प्रोडक्ट को पहले मैं ट्राई करती हूँ अगर फीडबैक अच्छा लगे तो मैं करती हूँ और प्लस ब्रांड को भी मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप छोटे क्रिएटर हो अगर आपके पास फॉलोअर्स कम है तो ब्रांडिंग में आते हैं ना तो जब जो ब्रांड्स रहते हैं वो क्या करते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको ये ये चीजें बोलनी है आपको अपने वीडियो में हम आपको इतना पे कर रहे हैं तो वो हो जाता है कि उसमें आप फोर्सफुली कम पैसे में पूरे ब्रांड का ब्रीफ दे रहे हो अपने वीडियो में तो फिर ऑडियंस भी ज्यादा है डिस्ट्रैक्ट हैं उनको पसंद नहीं आता लेकिन अब जब एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो आप जो बोलोगे मतलब आपके व्यूअर्स को पता है कि इनका बात इनके बात पे हमको ट्रस्ट है आज मैं जो भी ब्रांड डील करती हूँ अगर मैं बोलूंगी कि ये मसाला अच्छा है तो लोगों को पता है लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है मैंने बोला है तो वो अच्छा होगा लोग इस भरोसे पे खरीदेंगे तो ब्रांड को भी ये समझना चाहिए कि जो ये ब्रांड का एग्रीमेंट होता है या ब्रांड वर्क होता है वो सिर्फ दो पार्टी की नहीं तीन पार्टी के बीच होती है एक क्रिएटर दूसरा जो व्यूअर्स है और तीसरा ब्रांड तो तीनों को बराबर वैल्यू देनी चाहिए कि अगर हम ब्रांड हमको लिबर्टी देते हैं कि चलो आप अपने व्यूअर्स को अपने हिसाब से कन्विंस करो जैसा करना है तो मैं मैं ब्रांड के प्रोडक्ट को उनके हिसाब से समझाऊंगी ताकि व्यूअर्स को भी यूजफुल रहे और ब्रांड को भी रिटर्न अच्छा मिले इन द टर्म्स ऑफ व्यूज या रेवेन्यू जो भी हो तो ब्रांड को भी ये लिबर्टी देनी चाहिए और कोलेब्रेशन में मैं वही सोचती हूँ कि कोलेब्रेशन में ब्रांड को थोड़ा सा ईज आउट होना चाहिए ऐसे हर चीज नहीं कि आपको ये हमारे ब्रांड के बारे में ये दस लाइन बोलनी है वीडियो के स्टार्ट में एंड में वैसा नहीं होना चाहिए अगर अगर व्यूअर्स क्रिएटर को जानते हैं तो वो एंड तक भी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि इनका वीडियो एंड तक चाहे वो कॉमेडी वीडियो है देखना है तो ब्रांड का जो ब्रांड अगर आ, ब्रांड अगर क्रिएटर को पूरी लिबर्टी दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करो तो इसमें ब्रांड को भी फायदा रहता है व्यूअर्स को भी फायदा रहता, रहता है और ऑडियंस को भी फायदा रहता है तो ये कॉन्सेप्ट मैं सोचती हूँ और मैं उसी हिसाब से ब्रांड डील करती हूँ तो ब्रांडिल आज के दिन मतलब अभी तक मैंने जितने भी ब्रांडिल किए हैं सारे अच्छे डाबर नेस्ले सारे पॉपुलर ब्रांड के साथ मैंने काम किया है और ब्रांड भी काफी सेटिस्फाइड रहे तो मेरे को लगता है कि क्रिएटर को जब हम ब्रांडिल करें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी अगर ब्रांड हमको पे कर रहा है तो हम कुछ भी बेचे सबसे अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो वो अगर व्यूअर्स के लिए यूजफुल है तो आप अपने व्यूअर्स को दो क्योंकि वो व्यूवर्स एक बार यूज करेंगे अगर उनको नहीं पसंद आए तो फिर आपके चैनल को भी नहीं देखेंगे आपके ऊपर भरोसा भी गया तो आपने जो इतनी मेहनत करके वो स्ट्रेंथ अपनी व्यूवर्स की खड़ी की है वो सारा पानी में चला जाएगा तो ब्रांड्स को सोचना चाहिए प्लस व्यूवर्स को भी सोचना चाहिए क्रिएटर को भी ये तीनों का कोलेब्रेशन इसमें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से वेरी वेल सेवटेवर द्रांडर इज नॉट वॉट एक्सेप्ट No. uh specifically when you're starting out so um, you know i just wanted to also ask you kavita now that we are seeing so many influencers in the market we're seeing so many young new next gen influencers uh in the market what is the difference because you've been an old time uh, content creator and we've seen the new fresh content creators coming up in this pandemic itself so how would you differentiate the content that you create versus the content that they are creating मतलब अभी देखिए अभी चाहे वो कॉमेडी हो या फैशन हो या कुकिंग हो सारी यूट्यूब क्रिएटर या कोई भी क्रिएटर हर जगह बहुत लोग मतलब बहुत सारे क्रिएटर है हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है और अच्छा है मैं सोचती हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऐसी अगर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मैं भी क्रिएटर बन सकती हूं अगर मेरे में कुछ कला है तो, तो जो डिजिटल ग्रोथ हुआ है हमारे कंट्री का वो काफी यूजफुल है कि पहले अगर किसी को डांस में कुछ बनना है तो उनको बॉम्बे जाके उतने देर तक रात भर खड़े रहो पीछे पड़ो अभी कुछ नहीं है अगर आपको डांस अच्छा आता है वीडियो बना के पोस्ट करो कुछ भी नहीं चाहिए तो डिजिटल ग्रोथ होना ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है क्रिएटर और मैं चाहती हूँ मैं सोचती हूँ कि एज अ क्रिएटर मतलब क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कंटेंट वो बनाए वो यूजफुल हो और मेरे हिसाब से हाँ बहुत सारे क्रिएटर हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं होते हैं मार्केट में हर किसी भी किसी भी आप कैटेगरी में जाओ वहां पे ऐसा होता ही है बट काम करके जो शांति मिलती है मतलब मुझे मुझे वीडियो बना के या रेसिपी बना के मुझे बहुत शांति मिलती है तो जो मेंटल पीस होता है ना वो रहने से आई डोंट थिंक कि मैं कितने भी लोग कितने भी क्रिएटर आए तो मैं मेरा उनसे कंपटीशन है या मैं सोचती हूँ कि अरे मैं मेरा चैनल पुराना हो गया मैं उतनी अच्छी डिशेस नहीं बना रही हूं ऐसा नहीं सोचती मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यूजफुल कंटेंट बनाऊंगी किसी ना किसी के लिए तो काम आएगा ना दैट्स मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उस भीड़ में नहीं जाना चाहती और मैं सोचती भी नहीं क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन में जाओगे ना तो मेंटल पीस खो जाएगा फिर और कंटेंट क्रिएटर के लिए मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है दिमाग शांत रहेगा तो नए आइडियाज आएंगे दिमाग जितना आप दूसरों के पीछे दौड़ाएंगे कि उसका वीडियो चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है उसको इतने ब्रांड पैसे दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं तो फिर आप उस रेस में ही भागते रहोगे आपका दिमाग आपके काम से हट जाएगा तो मेरा ये मानना है कि आप कॉन्टेंट क्रिएटर है हर जगह मैं भी आई थी तो तब भी बहुत सारे क्रिएटर थे तो मैं भी आगे गई तो आज जो आए हैं वो भी आगे जाए absolutely absolutely gabriella uh, you know i want to ask you where do you see yourself maybe five years down the line uh, when we talk to a lot of content creators they 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 have a different journey that they have set for themselves uh, some people want to have their own show some people are looking at uh, you know uh, getting their products out into the market so what is your uh, you know target out there uh, mira my... ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है अभी तक मैंने सोचा नहीं है लेकिन हाँ ऐसा है कि मैं भी सोचती हूँ कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करूँ कि मैं यूट्यूब पे रहूँ या नहीं रहू मैं क्रिएटर रहू नहीं रहे लेकिन मेरा जो मेरा जो नाम है वो मार्केट में रहे तो <laughs> उसके लिए कुछ कुछ कोशिश कर रही हूं अगर कुछ मिलता है तो ठीक है लेकिन ऐसा एस सच ऐसा कुछ प्लान नहीं है रेस्टोरेंट वगैरह का कुछ भी प्लान नहीं है मतलब ऐसा सच कुछ भी प्लान नहीं है बस मेरा डेली रूटीन यही है कि सुबह उठो बच्चों का क्लास कराओ वीडियो शूट करो एडिट करो पोस्ट करो यही लाइफ है वेरी सिंपल लाइफ एंड यू नो रियली आई एम वेरी मोर इम्पोर्टेंट अगर आप काम करके खुश हो तो आई डोंट थिंक कि मेरे को लगता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो सारे रास्ते खुद ही खुद बनते जाते हैं ये मैंने खुद के बारे में नोटिस किया कि मेरा डेडिकेशन मेरा पैशन मेरे काम के लिए बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मुझे नींद नहीं आती अगर मेरा मतलब आज तक ऐसा छह सात साल होने गए मैं अपने चैनल पे व्यूज नहीं देखती रेवेन्यू नहीं देखती कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं देखती कुछ भी नहीं मेरे को कोई मैटर ही नहीं करता बट अच्छा लगता है मेरे को काम करना लेकिन हाँ मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ सारे दिन जब भी मेरे को दो मिनट टाइम मिले तो मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ कि किसने क्या लिखा है तो अगर कुछ नेगेटिव कमेंट है या कुछ किसी ने बोला कि आपको ये चेंज करना चाहिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखती है पॉजिटिव कमेंट तो ऐसे वो पता है कि वो पॉजिटिव ही रहते हैं मेरे हसबेंड के हाथ के बनी हुई है <laughs> so <laughs> ऐसे तो बहुत सारे लॉकडाउन में बहुत सारे कमेंट आए थे जो जिन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की बहुत यूजफुल था लेकिन जो सबसे अच्छा लगा मुझे कि uh, दिलजीत दोसान जी जो सुपरस्टार है जिनकी मैं फैन हूँ उन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की और उन्होंने इंस्टा पे टैग किया कि कविता की खिंचनी होती तो मेरा क्या होता <laughs> <laughs> तो वो एक चीज थी कि वो एक फैन मोमेंट था मेरे लिए कि हम जिसके फैन है और वो उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी बात की है तो वो न्यूज वगैरह में भी आया था बट फ्रेंकली वो मुझे काफी मोटिवेट किया बहुत खुशी हुई जब ऐसे लोग जिसको हम हमेशा टीवी में देखते हैं मतलब टीवी सेलिब्रिटीज या जो हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भले ही आज लोग बोलते हैं कि नहीं आप भी किसी से कम नहीं हो लेकिन मैं नहीं मानती मेरे को लगता है वो अलग दुनिया है उनको हम देखते हैं हमेशा टीवी पे तो वो जब कुछ बोलते हैं तो ऐसा फैन मोमेंट होता है मेरे लिए वो ज्यादा था

शिदत से काम करती हूँ बहुत डेडिकेशन से काम करती हूँ काम मेरी पूजा है मतलब मैं सुबह उठती भी हूँ ना तो पहले अपने जो चूल्हा है जिसपे मैं कुकिंग करती हूँ वीडियो बनाती हूँ उसकी पूजा करती हूँ आई डोंट नो वाई बट मुझे अच्छा लगता है मेरे को लगता है कि जब लोग मुझे पहचानते हैं तो आज इसकी वजह से ये मेरी पहचान है मैंने कभी सपने में भी, भी नहीं सोचा था कि मैं कुकिंग में कुकिंग में मेरा नाम होगा क्योंकि बेसिक कुकिंग करती थी लेकिन इस लेवल पे लोग मुझे पहचानेंगे तो आज वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपको यकीन नहीं होगा कि जो गैस स्टोव मतलब शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी और वो जो गैस स्टोव सिंगल वो दो स्टोव वाला होता है ना पुराना वाला वो गैस स्टोव अभी आज बारह तेरह साल होने जा रहे हैं लेकिन आज तक मैंने वो चेंज ही नहीं किया मेरे को लगता है वो मेरे लिए लकी है मैंने इसी से अपना चैनल शुरू किया था तो ये मेरे घर पे इसी पे खाना पकेगा और आज भी वही बनता है और अगले भी मतलब आगे भी पकता रहेगा <laughs> all right, Kavita, thank you very much for joining us today. And we wish you all the very best in your cooking journey ahead. Thank you so much for this delicious conversation. So and cheers to the many, many milestones in the future. Thanks so much. Thank you.